इस माँ के कोख से बेटा छीन लिया गया, बड़ा बेटा छीन लिया गया। और देखिए रेस्टोरेंट का मालिक और उसका बेटा किस तरह से पल्ला छुरा रहा है। ये माँ सच बोल रही है, दबाव में कुछ नहीं कर सकता है। आपको वो दवा बनाया नहीं जा रहा है? नहीं, हम बता दिया आपको हा? कोई व्यक्ति मर गया है? नहीं, अभी हम यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश जल रही है। इस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है, लेकिन तस्वीर से देखकर नजर लगा सकते हैं कि लाश। इस वक्त मैं खाजे कला घाट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक व्यक्ति की लाश जल रही है। इस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है, लेकिन तस्वीर से देखकर नजर लगा सकते हैं कि कहानी क्या है। इस वक्त मैं उसी घाट में मौजूद हूँ। ये उनका बेटा है जिन्होंने मुखाग्नि दिया है, और इस वक्त ये इनके छोटे भाई हैं जो अपने बड़े भाई को जलते हुए देख रहे हैं। इस वक्त मैं इनसे जान नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं जानने का प्रयास करूँगा आखिर यह घटना पूरी हुई कैसे। जी बताइए, नाम क्या हुआ आपका? आकाश कुमार। आपके भाई का नाम क्या था? विश्वास कुमार। विश्वास कुमार, बहुत ही संवेदनशील समय है आपके लिए, और मैं घाट पर इसलिए आया ताकि ये आखिरी सबूत है। जल जाने के बाद मुझे पता नहीं है न्याय मिल पाए नहीं मिल पाए, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपको न्याय मिल सके। क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने है, साफ जाहिर हो रहा है कि आपका भाई आत्महत्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आत्महत्या का आरोप लगाया गया है। पूरी बात क्या है, पूरी कहानी क्या है, वो बताइए आप। कल शाम में हमको एक फ़ोन आया, वहाँ के जो स्टाफ हैं, सुपरवाइज़र हैं, और वहाँ के लड्डू गोपाल के जो मैनेजर हैं, वो बिक्की जी हैं और पप्पू जी हैं। अच्छा, ये दोनों वहाँ पे हमको फ़ोन किए कि जल्दी से इमरजेंसी है, कुछ जल्दी से घर आओ। हम पूछे कि क्या बात है, तो वहाँ पे बोले कि आप जल्दी आइए, बस इतना ही कहेंगे, जल्दी आइए। रास्ते में मेरा दोस्त उधर ही एक काम करता है, चार पांच बार फोन लगाने के बाद वो भी कहीं बिजी था, तो वो बात हुआ उससे। उसके बाद उसको बोले कि जाके देखो वहाँ पे, वो नज़दीक में था, तो मैंने बोला उसको कि जाकर देखो वहाँ पे क्या हुआ है। अच्छा, उसने मुझे बताया कि नहीं रहा। मैं 15-20 मिनट बाद उसके बाद पहुंचा, लगभग 3:30-4 के बीच में तो पहुंचा, तो दरवाज़ा खुला हुआ था, पहले से लोग खोले हुए थे। पहले से लोग खोले हुए थे। अच्छा, वहां पहुंचने के पर मुझे उसका बॉडी पंखे से लटका हुआ मिला, पैर उसका ज़मीन पर था, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, और जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें भी साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, बाकी मुझे पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा, आप ये बताइए, आपका भाई लड्डू गोपाल स्वीट्स में कब से काम कर रहे थे? लगभग 6-7 साल से। ये जो ब्रांच है, लड्डू गोपाल स्वीट्स में नहीं काम करता था, उसका हॉट पॉट रेस्टोरेंट है, उसी के लड्डू गोपाल के ऊपर में उसमें वो काम करता था। क्या नाम है उस रेस्टोरेंट का? हॉट पॉट रेस्टोरेंट है। हॉट पॉट रेस्टोरेंट जी, लड्डू गोपाल के ऊपर जी, आशियाना दीघा रोड में, आशियाना दीघा रोड ऑफिस के पास, पासपोर्ट ऑफिस के पास, आशियाना दीघा रोड पासपोर्ट ऑफिस के पास एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट है, उसी में काम कर रहे थे जी। अच्छा, रात में जहाँ इन लोगों ने बताया कि जो जब मैं वहाँ पहुँचा तो बताया पप्पू जी कि रात में 11:30-11:30 के आसपास में शटर वगैरह बंद करके वो गाड़ी से आगे बढ़े और पीछे से हम साइकिल से आए, उसके बाद वो अपने रूम में चले गए, हम अपने रूम में चले गए, दोनों का रूम बाउंड्री वॉल्स एक साथ है। कहाँ पर? ये आपका पिलर नंबर 28 बेली रोड पिलर नंबर 28 पेंटालून के सामने वाली गली में है। अच्छा, आपको कब पता चला आपके अपने भाई के बारे में? हमको पता है ना, कल 3 बजे पता चला, हम जब घर पे थे खाना खाने के लिए। आपके घर कहाँ पे हुआ? तारनी प्रसाद घसियारी गली पश्चिम दरवाजा। इनको कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। अच्छा, 10-11 साल के आसपास का, जो 5-6-7 क्लास में पढ़ रहा है। आपका केस कहाँ पर दर्ज हुआ है? ये पासपोर्ट हवाई अड्डा थाना में दर्ज हुआ है। अच्छा,
पुलिस क्या कह रही है इस केस पर? पुलिस तो हमें ही लोग से पूछ रही है कि क्या आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, आप बताइए। पता नहीं। अच्छा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस ने कार्रवाई की है, सपोर्ट किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी अब क्या उसमें निकलेगा, वो तहकीकात में क्या निकलेगा, वो क्या निष्कर्ष निकालेंगे, वो उनके अनुसंधान पे केंद्रित रहेगा। अच्छा, ये हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट ने कुछ मुआवजा दिया, आप सहायता की आप लोगों को? अभी तक तो नहीं मिला है कुछ। वो लोग आए हैं यहाँ पे? आए थे भैया। है क्या मौजूद है जी? सांत्वना दिए हैं, पता नहीं है कि कैसे एक रेस्टोरेंट में किसी को मार के लटका दिया जाता है। अब पुलिस अब अनुसंधान करेगी, अब कितना बिहार में अनुसंधान होता आपको पता है। हम जो हो सकता है हमसे सहायता करने के लिए इस परिवार को करेंगे, और इनकी पत्नी का भी बयान दिखाएंगे आपको कि किस तरह से उनका घर में वो रो रही है, बिलख रही है, लेकिन सहायता के नाम पे कोई सामने नहीं है। किधर किधर मालिक है जी? अब क्या कहेंगे हम, क्या हुआ है नहीं हुआ है ये हम लोग कैसे बताएं? अब तो जो पोस्टमार्टम हुआ है, क्या रिपोर्ट आएगा, क्या कैसे हुआ है वही ना बताएगा। हम लोग क्या बता सकते हैं। कुछ दबाव भी था क्या आपकी तरफ से? नहीं, मेरे तरफ से नहीं, वैसा आदमी नहीं मिलेगा, अच्छा आदमी, इतना अच्छा आदमी था, सबके लिए, मेरे लिए क्या। अच्छा, कोई भी किसी से पूछे, कोई स्टाफ से पूछे, किसी से पूछिए, सबके लिए वो अच्छा आदमी था। एक भी ऐसा आदमी नहीं जो बोले उसका कि नहीं वो आदमी ठीक नहीं था। अच्छा आदमी था तो अच्छा आदमी को कैसे कोई लटका देता है? भैया आप चेक कर लिए कि लटका दिया, अब क्या हुआ? वीडियो है, वीडियो। अरे वीडियो परिवार वाले का कहना है, अरे उसको मारा गया है। हाँ तो परिवार वाला, ये मीडिया को आरोप नहीं है, परिवार का आरोप है। केस करे परिवार, कहाँ दिक्कत? परिवार केस करे, उसे क्या मतलब? हम रहे क्या बात करते हैं? जांच का मामला बात कर रहे हैं। एकदम न्याय मिलना चाहिए, 100%। हम वही तो बात कर रहे हैं, 100% न्याय मिलना चाहिए। दुश्मनी मेरा है क्या? नहीं नहीं, 100% न्याय मिलना चाहिए। नहीं नहीं, अबे पूछ रहे आपसे, आप यहाँ काम करते? अच्छा, आपको कब पता चला सर कि उसकी हत्या हो गई या वो मर गए? कब पता चला? वही 3:30 बजे। जब आप इधर बीच में कुछ दिन काम करने नहीं आ रहा था, आप उसको बार बार कॉल कर रहे थे काम करने के लिए, आपका वो फोन नहीं रिसीव कर रहा था, ऐसा हुआ था ना? ऐसा हुआ, क्या हुआ था? आ रहा था काम करने। कौन नहीं बीच में? पिताजी का कहना था, ऐसा बयान उन्होंने बोला हम लोग को कि बीच में वो काम करने रेस्टोरेंट में नहीं जा रहा था, तो उन्होंने बोला था कि हम पैसा बढ़ाना चाह रहे रेस्टोरेंट में। ये सब गलत बात है, पिताजी का कहना था। नहीं गलत बात है, 100% उनके भाई को थोड़ा साथ बुलाइए, 100% गलत। पिताजी बार बार उनके भाई का जिक्र कर रहे थे, 100% भाई ने आपसे बात किया, उसके बाद छोटे भाई ने दबाव बनाया, उसके बाद ये सर जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपके यहाँ न्याय होना चाहिए, अपराध हुआ, हम ये पूछ रहे हैं आपसे, न्याय होना चाहिए। लेकिन आप एक मालिक के तौर पर अपने नौकर के लिए क्या सहायता करेंगे? अब ये आपको बताएंगे हम, कि उसके परिवार को हम बताएंगे, हम करेंगे, कुछ बताइएगा। ना 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 ना, गलत बात नहीं है, कुछ सहायता करेंगे। क्या बात करते हैं, हमारा वही पूछा जा रहा है आपसे। एकदम एकदम, हम लोग जो होगा हम लोग करेंगे उसको, ऐसा थोड़े है। वह मैं जितना अच्छा लड़का था हम उसके लिए करेंगे, और किसी के दबाव में नहीं, उसके लिए, इसलिए अच्छा लड़का था वो, सबके लिए, इसलिए आई सोच ले कोई दबाव में कुछ नहीं कर सकता है। आपको वो दबाव बनाए नहीं जा रहा है? नहीं, हम बता दिया आपको, हम कोई व्यक्ति मर गया है ना, ना अभी हम कहां कर रहे, छोटी मोटी घटना नहीं घटी है? आपका आप अधिक पहली बार अब सबसे घाट आए होंगे, आपको तब नहीं मालूम है। अच्छा, आपको तब नहीं मालूम है मेरे बारे में, इसलिए बोल रहे हैं। हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है आपको? शमशान घाट के दायरे चुप रहो तुम, शमशान घाट कितना आया नहीं आया आपको नहीं मालूम? एक बच्चा आज मुखाग्नि दिया है, एक उसका तो चला गया पिता, तब लेकिन कुछ तो बचा होगा। माना घटना आपके यहाँ हुआ है? मेरे यहाँ नहीं, फिर वही गलत बात। तो कहाँ हुआ है? वो जहाँ रहता था वहाँ 4 रूम का फ्लैट। कौन फ्लैट दिया हुआ है? रेंट, उसमें स्टाफ और रहता था, 3 रूम सर, में फ्लैट, 3 रूम स्टाफ। आप ही फ्लैट दिए हुए ना? हम नहीं दिया, हाँ रेंट पे दिया, रेंट का पैसा, रेंट का पैसा हम दे देते हैं। तो वही बात कर रहे हैं ना, रेंट तो आप भर रहे थे ना? बस बस इसी जिक्र। अगर आप रेंट नहीं, सर अगर आप रेंट नहीं भर रहे होते, अगर रेंट नहीं भर रहे होते तो बात आपके मैं करने नहीं आता। नहीं, इसलिए कि हमारा यहाँ 10-12 स्टाफ है, जो है स्टाफ 8-10 जो भी है, सब 4 रूम का फ्लैट है, 3 रूम में वो लोग रहता। अच्छा, था विवाद भी था उनका, विवाद भी था किसी? नहीं भैया, हम लोग कुछ नहीं, किस हम लोगों के नॉलेज में इस आदमी को किसी से विवाद नहीं था, हम लोगों के नॉलेज में। अब इसलिए हम लोग से भेंट भी बहुत कम होता था, बेटा ही देखता था, हफ्ता में एक दिन 10 मिनट आधा घंटा के लिए इससे भेंट हुआ। मालिक वही था वहाँ का, हॉटपॉट का मालिक वही था। चलिए, हॉटपॉट का मालिक वही था, इनसे जो हो पाएगा मदद करेंगे। लेकिन सवाल वही है, आखिर जो लाश जल रही है, इस व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों किया?
कहानी पहले क्या क्या है ये बताइए। विश्वास जी, जिस तरह से वीडियो सामने आया है, आत्महत्या का क्या कहना चाहते हो उस पर आप? घर से वो कुछ करके नहीं गए थे, अच्छे से खा के पी के कपड़ा पहन के, रात में मेरे से बात भी की है, 10:30 बजे मेरे से बात हुआ, आएंगे जी तो बोले कि आज हम नहीं आएंगे, बोले उस पर भी कि बढ़िया से खा पी के सो जाइएगा, ठंडा है, बोले ठीक है। सुबह में हमको दुकान खोलना है, लड्डू गोपाल में काम करते थे वहाँ, और कभी पहले भी नहीं आते थे, तो हम सोचे कि काम है तो इसलिए नहीं आएंगे आज, नॉर्मल सी बात थी मेरे लिए, तो नहीं आए रात वो। हाँ सुबह में फिर फोन हम उठे तब 10-11 बजे के बीच में किए तो फोन नहीं उठाए, तो सोते थे 10-11-12 बजे, तो मेरा लगा कि नहीं सो के उठे होंगे इसलिए नहीं फोन उठाए हैं, फिर हम छोड़ दिए फोन करना। फिर एक बज गए, हम घर में रह गए, फिर नहीं फोन किए, फिर फोन आया कि वहाँ इमरजेंसी सेवा है उनके भाई के पास, उनके भाई का नंबर था उस वहाँ के स्टाफ के लोग के पास, आया कि भाई इमरजेंसी में है आपका, गए तो आधा रास्ता पहुँचे तो वहाँ देखो कि ख़त्म ही हो गया। अंतिम बातचीत कब हुई थी मेरे से? हाँ जी, शुक्रवार की रात 10:30 के बीच। अंतिम बातचीत क्या हुई थी? अंतिम बातचीत यही, आने के लिए हम पूछे, फ़ोन किए, बोले कि आप आएंगे, तो बोले कि हम नहीं आएंगे आज, हम कल हमको, वो बोले कि कल हमको सुबह दुकान खोलना है, तो बोले कि दुकान खोलने वाला नहीं है, तो नहीं वो छुट्टी पर गया हुआ है, जो हम ही को दुकान खोलना है। कोई दबाव आपके पति के ऊपर? मेरे तरफ से कुछ नहीं था, कोई डिमांड वमांड पूरा कुछ नहीं मेरे से। तो आपके पति यह कदम क्यों उठा सकते हैं जिस तरह से वीडियो सामने आत्महत्या वाला? मेरे पति आत्महत्या नहीं किया। फिर क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ कोई किया गलत सर, मेरे पति किन पर शक है आपका? वहीं के लोग पर, वहीं के स्टाफ पर जहाँ काम करते हैं, वहाँ का स्टाफ। आप कौन हुए? हम माँ है उसका। क्या लगता चाची, कौन कर सकता है? हमको अब हमको यही लग रहा है कि उसको रूम वहाँ मिला हुआ था। अच्छा। और लड्डू गोपाल जो है उसके ऊपर रेस्टोरेंट है, हॉटपॉट, हॉटपॉट, उसमें 5 साल से मेरा लड़का काम कर रहा है। अच्छा। और उनको जो गोलू भैया है उनको माने विश्वास जी के बेटा के तरह मानते थे, उनसे कोई शिकायत मेरा नहीं है, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने बच्चे से मेरा खुचड़ करते थे। अच्छा। कभी कभी कुचल करते थे। हाँ। जैसे वही सोया रहता था ने, अब कह देते थे गोलू भैया से, बहुत बार ऐसा हुआ था ऐसा उठ कह देता था कि नहीं आए हैं विश्वास जी, अब विश्वास वही रूम पर सोया रहता था और झगड़ा करवा देता था हम मालिक से कि नहीं आया है आपका यहाँ काम करने वाला। विश्वास जी कौन है? विश्वास जी मेरे पति है, जिनका डेथ हुआ। बड़ा बेटा मेरा। जी जी, बड़ा बेटा आपका है? बड़ा बेटा है विश्वास जी। अच्छा, आप पिताजी हुए हैं? हाँ। जी, जैसे कि बातचीत जब मीडिया से उन्होंने किया है, हॉटपॉट के रेस्टोरेंट के मालिक, उनका हाँ। कहना है कि छुट्टी उनको कभी मिला ही नहीं और रेगुलर आता था वो काम जिसे पे। वो तो वहाँ हाँ। के काम के लिए उनके यहाँ कोई श्राद्ध हुआ था गुरु जी के यहाँ। हाँ। तो वो समझिए कि वो यहीं बर्तन भाषण सब कुछ खरीद के घर का समझिए कि ऑलराउंडर था, मैनेजर था, बाबरची भिस्ती खर सब काम मैनेजर था। जितना लड्डू गोपाल का उड़का है कपड़ा दुकान, उनका बीवी बैठते हैं कपड़ा दुकान, वहाँ तक मेरे बच्चे काम कर। क्या किस पे शक जा रहा है आपका? देखिए शक जा रहा है, देखिए मेरा शक है यही। नहीं, जो पहले आपके साथ हुआ, जो जो 5 रोज पहले, 5 रोज पहले क्या हुआ? 5 रोज पहले क्या हुआ, सच्चाई बताइए। सच्चाई 5 रोज पहले क्या हुआ? 5 रोज या 6 रोज जो भी है, मैंने ये हफ्ते भर में सारा कहानी है। 5 रोज पहले क्या हुआ कि मेरा लड़का रेस्टोरेंट में सुतल था। अच्छा। मेरा लड़का जैसा बोला हम नहीं देखे, लड़का कहा कि वही सुतल है, और वहाँ के लोग सब कह दिया गोलू भैया के कि विश्वास जी नहीं आए हैं ड्यूटी पर, ये कह दिया। और विश्वास जी सवेरे उठ के घर पर आ गया 9 बजे, 9:30 में वो घर पर। अच्छा। घर पर आया 11 बजे, गोलू भैया फोन किया उसका भाई पर कि विश्वास कहाँ गया है, से वो रेस्टोरेंट में दूर से काम नहीं है रेस्टोरेंट में। तो ये बोला विश्वास दी, आकाश बोला उसका भाई कि वो घर पर है, तो उसको भेजो। ये घर में आपस में दोनों भाई लड़ाई किया कि लड़ाई क्यों किया था? लड़ाई मैंने इस चीज़ किया कि तुम क्यों नहीं छुट्टी लेके आते हो। अच्छा। तुम
छुट्टी लेके दुकान पर से आप गोलू भैया सब पूछ करके तुम कहीं वहाँ से उठ के गोलू कौन मालिक के बेटा हुए मालिक के बेटा हुए जी उसका बेटा वहाँ बैठता है उनसे छुट्टी नहीं लिया था वो ऐसे चल आया था अच्छा छुट्टी लिए हुए आपका बेटा यहाँ चलाया था चलाया था जी वहाँ कह दिया लोग था वही अब कह दिया कि नहीं सवेरे आया सवेरे आया 9:30 जब 9:30 में यहाँ आया तो गोलू भैया के खबर हुआ कि विश्वास जी नहीं है विश्वास जी के भाई पर फोन आया कि विश्वास जी यहाँ नहीं है कहाँ गया घर पर फोन किया मम्मी भैया हमके भैया तुरंत आया अभी उसके बाद कहा क्या कि गोलू भैया कहीं कि दूर बोले लगा छुट्टी कहा नहीं लेके आया तुम ऐसे कहा दोनों भाई बच्चा किया ये क्या किया कि उठ कर गया दुकान पर मेरा दुकान है यहाँ पर जाँच घर पश्चिम दरवाजा वहाँ पर दुकान पर भाई पर गर्म होने कि तुम क्यों दूसरा की बात मानते हो मेरा बात क्यों नहीं मानते हो हम नौकर हैं किसी को हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं हम जानवर हैं हम नहीं छुट्टी लेके आ सकते हैं आ सकते हैं हम छुट्टी लिए हैं हम सबके कहले भूले छुट्टी के लिए हम 24 घंटा बैठ के तरह करते रहे से हम छुट्टी ले करके आए से हम पूछो वहाँ पर तब गोलू भैया फिर कहें कि तुम हम उससे बात कराओ यहाँ से गया मेरा बेटा कहा कि हम नहीं काम करेंगे आपके यहाँ अच्छा मेरा बेटा कहा इस बात हाँ बोल भैया मुँह पर बोले अभी अभी हम बोले हैं बोले काम नहीं करना चाहते हैं बोले हैं खुद गोलू जी से गोलू जी से वो बोला फोन पर पश्चिम दरवाजा में अपना दुकान पर बेटा मेरा कि हम नहीं काम करेंगे अब हमको नौकर पूछ लिए हैं 24 घंटा अब हम पर विश्वास नहीं करते दूसरा क्या बात मानते हैं हम वही सुतल है रूम पर अब आप कह रहे हैं क्या कि नहीं विश्वास जी है तो मानिए दूसरा क्या बात हम नहीं काम करेंगे उसको फिर इससे सुन लिए गोलू जी सुन के गोलू जी आकाश जी से छोटा बेटा आकाश हाँ कि तुम उसको हमसे बात कराओ फिर कुमरार भेजो उसको कुमरार भेजो हाँ समझा कर कुमरार में भी दुकान लड्डू गोपाल का होट पोट रेस्टोरेंट हाँ गोपाल मिठाई का दुकान है मिठाई की दुकान वहाँ पर फिर आया घर में लेटरिन गया खाना खाया घर में बात कर ला पर गोलू भैया के खाना खाया लेटरिन बाथरूम गया पेपर पढ़ के गाड़ी हेलमेट लिया चाबी लिया कल ये कहाँ जा रहे हैं बेटा तो बोले कुमरार जा रहे हैं गोलू भैया बोला है कुमरार जा रहे हैं कुमरार गया कुमरार में 4 बजे तक कुमरार में गोलू भैया से क्या बात हुआ हमको बेटा नहीं कहा हमारा अच्छा। बेटा कुछ नहीं हमसे बेटा बोला फिर गोलू भैया समझाए पैसा पढ़ाए क्या किए पैसा मांगा क्या किया उमर वाला जाने आया गोलू भैया जाने देखिए इस माँ के कोख से बेटा छीन लिया गया बड़ा बेटा छीन लिया गया और देखिए रेस्टोरेंट का मालिक और उसका बेटा किस तरह से पल्ला छुरा रहा है ये माँ सच बोल रही है माँ क्या वो सच बोल रहा है हाँ पठन देवी में हाँ पकड़ के कसम खा के हाँ बेटा के चलते बोल सकते हैं हाँ चलिए जहाँ ले चलते साथ क्या हुआ है आत्महत्या क्या भी उसका हत्या हुई है वहाँ जब 4 बजे तक रहा है हाँ। फिर वो जाने लगा अचानक लड्डू गोपाल हॉटपॉट पत्नी फोन किया इसको कि आप कहाँ हैं कहाँ जा है आप कहाँ हैं कुम्हारे में है तो कहा नहीं कुम्हार नहीं हम अचानक जा रहे हैं जहाँ ड्यूटी करता था बोलो भैया सर समझ बुझ हो गया होगा समझौता हो गया होगा अच्छा। और उसके बाद वो चला गया वहाँ रात में काम किया फिर आया घर हो गया बात खत्म बात होगी खत्म उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर बेटा मेरा ड्यूटी जैसे जाता जर वैसे चला गया हाँ। शुक्रवार के भी बेटा मेरा वो उठा बृहस्पति के आया वहाँ से ड्यूटी से 12:30 में आता है 12:00 में आ जाता है घर आया हूँ सुखाया पिया अपना सोया पत्नी सुलगा दो तापेंगे बैठेंगे सब चीज़ किया हमको उससे कोई मतलब नहीं सुबह में वो लेट से उठता है लेट से उठा पेपर पढ़ा लेटरिन किया नहाया मुँह धोया खाना खाया उसके बाद कपड़ा पहना से लाया था सूटर कहा नहीं कि देखिए माँ
प्योर सूट मत आपको दिया बेटा? नहीं दिखाया वो अपना सूटर दिखाया पहन के जो जा रहा था लट्टू बाप देखिए फोटो में आए वो स्वेटर मेरा बेटा पहन लिया कहा कि माँ देखो ना स्वेटर जो लाया है ना से प्योर ऊनी है देखो ना माँ से हमें पहन लेते स्वेटर हम कहे पहन लो बेटा पहन लिया स्वेटर जैकेट ले लिया पोलोथीन में चार्जर ले लिया ईयरफोन ले लिया बेटा मेरा घड़ी ले लिया बेटा मेरा अंगूठी पहन लिया हाथ में बेटा तू मेरा माला पहन ले रुद्राज के माला पहन ले कान में सोना का मेरा हीरो था मेरा बेटा राजकुमार था हीरो इसको हीरो कहते हैं। फिर आत्महत्या क्यों कहा जा रहा है? वो अपना लड्डू गोपाल बचने के लिए बचने के लिए पैसा उठा भाई से खाने के टाइम में माया भाई से उस दिन उस दिन फिर थी जब जा रही थी जा रहा था तिस्ता चुज के तो बोला ने कि माँ से अपनी छोटी बहन के शादी करेंगे से छोटी बहन हाँ छोटी बहन के शादी बेटी भी है हाँ छोटी बेटी है कितना उम्र हो रहा उनका 16-20 साल रखिए उसका शादी करवाना चाह रहा था हाँ वो कहा क्या सुनिए शादी के लिए माँ शादी करेंगे उसको भाई कहा कि विश्वास जी ने कहा विश्वास हाँ आकाश जी कहा विश्वास जी के कि भैया घर बना लो अच्छा घर रहने का नहीं है मेरा हाँ। तब वो कहा बड़ा बेटा कि घर नहीं बनाबो बहन को शादी करो बहन के शादी करेंगे देख लीजिए माँ बहन की शादी करवाना चाह रहा था विश्वास विश्वास तो मरेगा ये शादी कर देख लीजिए जब जो लड़का अपना बहन को शादी करवाना चाह रहा हो क्या वो लड़का आत्महत्या कर सकता है? सुनिए बहन के शादी कर सकता है जी बहन के साथ सुनिए मेरा बात बहन के शादी के लिए बोला बहन के शादी के माँ मार्च से हम भरतुहारी करेंगे मार्च से भरतुहारी करेंगे इसी मार्च में अच्छा। और नवंबर दिसंबर में शादी करेंगे होटल से करेंगे माँ प्लेट रखेंगे माँ सिस्टम माँ बहुत बड़ा अरमान देखा गया मेरा बेटा हम कह रो बहुत अरमान दिया हमको फिर जा दिया बेटा मेरा आपकी बेटा का आपका बेटा का हत्या हुआ है फिर आत्महत्या किया है दूसरा कोई किया कौन किया है किस पे शक जा रहा आपका लड्डू का पाल पर जा रहा है लड्डू का पुलिस क्या कही अब तक कुछ नहीं कही कोई सहायता की पुलिस कुछ देख लीजिए बिहार पुलिस कुछ नहीं मौके पर नहीं है कुछ नहीं और उतार के ये खबर पुलिस की समझ सकते हैं ये खबर पूरे मीडिया जगत में आग की तरह बरर होना चाहिए था कि किस तरह से घर में गरीब घर में एक बेटा को उजाड़ दिया गया या पत्नी विधवा हो गई इस मार्ग से कोक सुना हो गया बड़ा बेटा चला गया अभी खबर नहीं है बहन को बुलाइए इनको और देखिए देश की मीडिया को बागेश्वर धाम में क्या क्या हो रहा है तो सारा मीडिया लटक गया है लेकिन इस धाम में क्या हो रहा है गरीब के घर में क्या हो रहा है कोई मीडिया नहीं है सिर्फ हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं हमको ले चलेंगे लड्डू गोपाल हम चलेंगे लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल हम चलेंगे लड्डू गोपाल हम उनको घर जाएंगे हम लड्डू जी चार दिन पहले क्या बोले थे चार दिन पहले बोले थे ना कि हमको देख के सब जलन हाँ, कहता था ना कि माँ हमसे जलन होता है इसलिए गोलू भैया हमको बहुत मानते हैं हमको गोलू भैया मानते हैं माँ ये एक लड़ाई जो है ना मालिक और नौकर के बीच में है गोलू जिनका नाम बार बार जिक्र कर रहे हैं होट पोट रेस्टोरेंट के मालिक है वो